अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई खबर टू देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से जो है वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर। जी हां दोस्तों, अक्टूबर महीने में सभी फ़्लाइटें भारत की जो है सस्पेंड हो सकती हैं। इसका क्या रीज़न है, इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को जो है बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक न्यू वायरस ने एंट्री कर दी है, निपा वायरस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पहले जो है डेल्टा वायरस आया था, उसके बाद भारत की 40 देशों ने जो है फ़्लाइटें सस्पेंड कर दी थी। लेकिन दोस्तों अब न्यू वायरस आया है भारत में, निपा वायरस। इस निपा वायरस का एक मरीज़ को जो है हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, लेकिन दोस्तों उसकी आज जो है डेथ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जैसे ही डेथ हुई है, उसके बाद उस गांव में जो है रिसर्च किया गया है, तो उस गाँव में और 20 से 25 लोगों को ये निपा वायरस पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत में एक न्यू वायरस जो शुरू हुआ है, इसको देखते हुए अक्टूबर महीने तक, जी हाँ दोस्तों, अगर इसके केसेस बढ़ना लग गए तो काफ़ी सारे देशों ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कहा है कि अक्टूबर महीने में जो है फ़्लाइटें सस्पेंड हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप अभी तक भी फंसे हुए हैं, आप यूएई जाना चाहते हैं, किसी और देश जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जल्दी करें, हो सकता है बहुत जल्द जो है भारत में फ़्लाइटें सस्पेंड हो सकती हैं। दोस्तों जैसे ही फ़्लाइटें सस्पेंड होंगी, उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको आफ्टर 6 मंथ हो चुके हैं, या जो लोग अभी तक यूएई के लिए ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आप दोस्तों के जो है लाजमी रहनमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, अगर आपका वीज़ा वैलिड है, या आपको रेड सिग्नल दिखाया जा रहा है, या ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, तो फिर भी दोस्तों आपने कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, या फिर आप शारजा जाना चाहते हैं, अबूधाबी जाना चाहते हैं, रासल खैमा जाना चाहते हैं, या फिर आप फुजीरा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये निपा वायरस बहुत ही डेंजरस है, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति की जो है डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।